From every face, and is there's two. कार दर्शकों डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं का हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है हर महिला को अपने जीवन में डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट चेंजेस का सामना करना पड़ता है चाहे वो एडोलिस एज हो टीन में प्यूबर्टी हो मैरिज प्रेगनेंसी और मेनोपॉज हो इन सभी स्टेजेस में उनको इमोशनली मेंटली और फिजिकली चेंजेस का सामना करना पड़ता है आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी चेंजेस के बारे में आज का विषय है टॉक अलर्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ लाइफ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यानी अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ नमस्कार मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में थैंक यू सो so मच दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम यह बता दें कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है तो अगर आप को हमें ट्विटर पर फॉलो करना है तो हमारा ट्विटर आईडी है डी डी के अंडर स्कोर पोर्ट ब्लेयर हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप इस समय हमारे यह कार्यक्रम यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर दर्शकों यह एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो अगर आपको स्त्री रोग से संबंधित या फिर स्त्रियों में होने वाली कोई भी परेशानी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यानी से पूछ सकते हैं हमारे नंबर्स है जीरो थ्री वन नाइन टू टू डबल फोर सेवन फोर फाइव जीरो थ्री वन नाइन टू टू वन सेवन टू वन थ्री तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम थैंक यू सो मच जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गायनिकोलॉजी और ऑप्स्टेटिक्स ये दोनों होते क्या हैं ये दोनों शब्द अलग हैं जी और ये बहुत जरूरी है कि हमारे मरीज ये समझे कि ऑप्स्टेटिक्स क्या होता है और गायनिकोलॉजी क्या होता है ऑप्स्टेटिक्स ये टर्म है या ये प्रैक्टिस लाइन है जिसमें महिलाएं गर्भ अवस्था में होती हैं जी द डी वो अपने को जानती हैं कि मैं गर्भावस्था में आ चुकी हूँ उस समय से लेके बच्चा डिलीवर होने एवं उसके बाद जब बच्चे को संभालना होता है यानी कि जो छः महीने ये सब आता है हमारे ऑब्स्टिटिक टर्म में अच्छा। और वो हमारी प्रैक्टिस है अच्छा। जबकि गायनोकोलॉजी महिला का कोई भी जीवन का स्तर का कोई भी बीमारी महिला में वो आता है हमारे गायनोकोलॉजी में मेनली ये उनके प्राइवेट एरियाज एंड प्राइवेट लाइफ जो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड टर्म होता है जी हाँ तो महिलाओं में होने वाली ऐसे कौन से बदलाव है मैम जैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कौन से बदलाव कौन से स्टेजेस आते हैं महिला का बदलाव एंड महिला की जर्नी शुरू हो जाती है उसके अवस्था से महिला जब पेट में होती है यानी अपनी माँ की अवस्था में होती है तो माँ के हॉर्मोन्स माँ का न्यूट्रिशन माँ के लेने वाली दवाइयाँ उस पर असर करती है फिर एक बच्ची पैदा होती है उसमें ओवरीज में अंडे बनने की प्रक्रिया तब रुकी होती है बट धीरे धीरे फिर से बनना शुरू होती है ये भी ज़रूरी है कि बच्चा जब पैदा हुआ कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है उसका जो यूट्रस, यानी कि गर्भदानी वो है या नहीं है ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है जैसे जैसे एक महिला आगे बढ़ती है वो एक बच्ची से एक यौनिक उस स्थिति में आती है यानी वो एक तरह से प्यूबर्टी अटेन करती है तब बच्ची को नहीं पता होता कि ब्लीडिंग नीचे से क्या होता है उसको समझाना पड़ता है फिर वो एक आती है ऐसी स्टेज में जहाँ वो एक बच्चे को पैदा करने के लिए सक्षम होती है जी। है। उसके बाद जब वो दौरान खत्म होता है तब होता है प्री मेनोपल स्टेज जहाँ हॉर्मोन्स कम होना शुरू होता है धीरे धीरे उसकी गर्व, गर्वदानी भी छोटी होने लगती है और वो एक बहुत हार्मोनल चेंजेस में आती है अच्छा। फिर हो जाता है फाइनली मेनोपॉज एंड उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉजल जो कि हमारी ओल्ड एज वस होती हैं तो ये पूरी एक लाइफ जर्नी है एक फीमेल की जी हाँ ये सब चीज़ों के बारे में हम एकदम विस्तार से बात करेंगे मैम पहले आपने बोला कि एडोलसेंट एज है तो इसके बारे में बताइए कि बच्चे कौन से एज ग्रुप को हम बोलते हैं और उन्हें किस तरह से हमें लाइक टेक केयर करना चाहिए अनटिल प्यूबर्टी अगर हम पीडियाट्रिक टर्म्स में बात करें तो हाँ, रिप्रोडक्ट जो आपने बात बोली है प्यूबर्टी हाँ, की प्यूबर्टी एंड अडोलिसेंट दो अलग चीजें हैं अडोलिसेंट होता है अठारह साल से ऊपर के बट प्यूबर्टी होता है जब एक लड़की उसको अपनी पहली ब्लीडिंग होती है नीचे से यानी अब वो सक्षम बन रही है एक माँ बनने की तरफ तब से उसको प्यूबर्टी बोलते हैं प्यूबर्टी यानी उसने अटेन कर ली अपनी मीनार के यानी ब्लीडिंग एंड हम क्वेश्चन जारी रखेंगे एक कॉलर लाइन में हम कॉल yes. ले लेते हैं नमस्कार आपका नाम बताइए जी मेरा नाम करिश्मा है जी आपका प्रश्न रखिए जो है मेरे घर पे की एक तो दादी है। उनको जो है उनका बचपन मिला सकता है थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिएगा अपना प्रश्न फिर से दोहराए हेलो हेलो जी हाँ थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए जी मेरे घर पे जो है एक 80 का यूएस ओल्ड तो मेरी दादी है सॉरी थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करिएगा प्लीज हमारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं मैम हम प्यूबर्टी के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं प्लीज कंटिन्यू तो जिस समय ये प्यूबर्टी अटेन होती है एक बच्ची में उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं एंड दिमाग का यूट्रस का यानी अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊँ तो हाइपोथैलेमस पिट्यूट्री एंड गर्वदानी का जो एक्सेस होता है वो बना नहीं होता तो उस समय ब्लीडिंग रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को जैसे या तो बार बार आना लेट से आना कभी ज़्यादा आना कभी कम आना और कई सारी लड़कियों को तो आता ही नहीं है तो हम मैक्सिमम 14-16 साल की उम्र तक रुकते हैं बट डेफिनेटली इसमें हम ऐसा नहीं है कि घर पर बैठे एक जरूर अपनी गायनिक से आप सलाह लेंगे अगर गायनिक आपके आजू बाजू नहीं है तो एटलीस्ट एक पीडियाट्रिशियन से आप इसके चक्कर में पक्का मिले जी तो हम जैसे अभी प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं मैम तो इस किशोर अवस्था में जो मेंटल स्टेटस होता है क्योंकि एकदम सडन चेंज होता है तो इससे कैसे जूंझे कोई इसमें कई सारी ये स्कूल गोइंग गर्ल्स जिनको ये नहीं पता कि मुझे पीरियड्स आ गए तो मैं कैसे मैनेज करूं उन्हें ये नहीं पता कि सैनिटरी हाइजीन क्या होती है तो ये सब चीज़ें समझाना एक टीचर का एक माँ का दोस्त का एंड एज अ डॉक्टर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उस समय हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये नॉर्मल है लड़कियों में हाँ। आपको ये ब्लीडिंग होगा आपको ऐसा नहीं है कि आप स्कूल ना जाएं घर पे बैठें अगर आप पेट में दर्द भी होता है तो उसके लिए भी दवाई है उसके लिए भी इलाज है कारण है तो उसके लिए समाधान भी है तो अपनी जो नॉर्मल उनकी दिनचर्या होती है उसको वो कंटिन्यू रखें जी और प्लस कैसे पैड्स यूज करने हैं कैसे अपनी सैनिटरी हाइजीन मेंटेन करनी है लोकल पार्ट हाइजीन ये सब हमें समझाना होता है जी हाँ जैसे हम अभी प्यूबर्टी की ही बात करें मैम बट उससे पहले बच्चों को हम कैसे मेंटली रेडी कर सकते हैं जैसे आपने बताया अवेयरनेस फैलाना होगा तो उसके अलावा हम डाइट में ऐसा क्या दे सकते हैं कि एट दैट टाइम वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो मेंटली के साथ महिलाओं में थ्रू आउट उनकी लाइफ जर्नी विटामिन डी की बहुत कमी होती है जी तो एक तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन उनका बहुत अच्छा होना चाहिए कोई भी उससे पहले हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए सेकेंडली उनकी जो डाइट है वो बहुत आयरन रिच होनी चाहिए क्योंकि बाद में उनको ब्लीडिंग होगी तो खून जाएगा खून जाएगा तो खून की कमी होगी इसलिए उनका आयरन रिच फूड लेना बहुत जरूरी है जैसे कि जागरी रागी पीनट्स हरी साग सब्जी अनार, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है जी हाँ, तो बेसिकली उन्हें हेल्दी डाइट रिच इन आयरन खिलाना चाहिए ताकि वो जब प्यूबर्टी के स्टेज में आए दे विल बी रेडी फॉर इट करेक्ट जी हाँ तो इसके आगे चलते हैं मैम जैसे अभी पी पीसीओएस, जिसे हम इ पीरियड भी कहते हैं बहुत बार तो ये जो सिनेरियो क्यों होता है मैम पी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी एंड प्लस उसके साथ उसमें हार्मोनल इंबैलेंस होता है अच्छा आज की दुनिया में जहाँ जो लड़कियां हैं या इवन लड़के कह लीजिए हमारी लाइफ अब बहुत बदल चुकी है ना एक्सरसाइज है दुनिया से रिलेटेड बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर है टाइमली हाँ। नहीं खाना टाइमली नहीं सोना ये सब बहुत ज्यादा कारण है पीसीओएस सी कॉज करने के तो पीसीओएस के बहुत सारे वेरिएंट है जैसे कि या तो महिला अटेन ही नहीं करती अपनी प्यूबर्टी, यानी कि उसे पीरियड्स ही नहीं आती उसको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है पेट में दर्द नीचे के हिस्से में ब्लोटिंग जो हम फूलापन कहते हैं जी हाँ, उसको हाँ, बहुत हाँ, आगे बढ़ेंगे एक कॉलर लाइन में हम प्लीज उनको देख लेते हैं नमस्कार आ, आपका नाम बताइए जी मेरा नाम करिश्मा है जी आपका प्रश्न रखिए प्लीज मेरे घर पे मेरी दादी है <ंगे> दादी का एजी इयर्स है उनको जो है तो कि और जब वो तो ऐसा ही कम्प्लेट करती है तो वही मेरे को जानना एक बार आप फिर से रिपीट करिए 85 इयर्स आपकी दादी है उनको पेन हो रहा है उसके बाद प्लीज बताइएगा फिर से उनको जो यूरी पास जाते हैं। अच्छा। दें इस इस है पास करने तो कुछ कुछ जी डॉक्टर आपको आंसर देंगे उम्र उम्र के साथ बहुत ज्यादा ये होता है कि उनके हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं जी हाँ। जो लिगमेंट्स होता है जो मसल्स होता है वो वीक होने लग जाता है तो कई सारी जो ओल्ड एज लेडीज होती हैं या जब से उनकी बॉडी में हार्मोन कम होना शुरू होता है उनका नीचे का हिस्सा नीचे खिसकने लगता है बच्चेदानी बाहर निकलने लगती है पेशाब थैली बाहर निकलने लगती है जिसके के चक्कर में उनको बैक एक होता है तो ऐसे में आप एक बार उनको दिखाएं दिखाए क्यूकी एयर्स ओल्ड वुमेन है तो हड्डी के डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी रहेगा अच्छा। कि कहीं उनके लंबा स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं हो प्लस हमें भी यानी कि गायने को भी चेक करना रहेगा कि उनका कहीं बच्चेदानी पेशाब का थैली नीचे तो नहीं हारा और ट्रीटमेंट उनका एसोसिएटेड उनकी उम्र उनमें कोई भी और बीमारी प्लस किस डिग्री का नीच, बच्चेदानी नीचे आ रहा है उसके डिपेंड पे हमारा इलाज होगा अच्छा जी आ, तो हम आशा करते हैं आपको आपका आंसर मिल गया है हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम पी की बात कर रहे थे मैम कि कैसे डाइट चेंज होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके सिम्टम्स आई थिंक मैंने अभी आपको बताए हैं जैसे हेयर ग्रोथ मूड स्विंग्स नीचे के हिस्से का ब्लोटिंग एंड मैंसुरल इरेग्यूलैरिटीज राइट फ्रॉम की नहीं आने से लेके कम आना रुक रुक के आना ये सब इन चीज़ों की दिक्कत है वजन सडनली घट जाता है कभी बढ़ जाता है जो काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोटे लोगों में पी होता है नहीं लीन पी यानी पतले लोगों में भी पी हो सकता है बट एक सबसे अच्छी बात पी की यह है कि इसका इलाज खुद मरीज के पास सबसे ज़्यादा है अच्छा तो उनको अपना एक तो स्ट्रेस लेवल कम करना है अपना वजन घटाना है अगर कोई सोचता है मैं पतली हूँ तब भी एक्सरसाइज करना है टाइमली खाना खाना है जंक फूड्स अवॉइड करते हुए एक पौष्टिक खाना खाएं। उससे उनको बहुत असर पड़ेगा एंड जितने भी सिम्टम्स हैं वो टाइमली रिलीव हो जाएगा Symptoms को लेके एक्सेस टेंशन लेने की जगह से जरूर मिल लें जी हाँ और ये जो पीसीओएस है वो कौन से एज ग्रुप के महिलाओं को ज्यादा करता है या फिर कौन से एज ग्रुप से पी सी ओ पीसीओएस का एस स्टार्टिंग एज कुछ नहीं होता अच्छा। या लास्ट में कब तक होगा ऐसा नहीं होता जी पी क्योंकि एक लाइफ डिसऑर्डर है तो जिंदगी में कभी भी हो सकता है जी राइट right? की जब से वो एक प्यूबर्टी uh, अटेन की है तो जब तक उनके पीरियड्स चल रहे हैं जी हाँ तो इसलिए पीसीओएस एक लाइफस्टाइल है उन्हें वो चीज़ सही करनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज थायराइड डेवलपमेंट डिप्रेशन एंड बाद में इनफर्टिलिटी ये सब चीजों के लिए भी उनको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा जी हाँ जरूर आगे चलते हैं है, मैम अभी युवा और अनमेरिड गर्ल्स में ऐसे कौन से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स फेस होती है या फिर कौन सी अ, प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है इसके बारे में प्लीज आप बताइए जो आजकल युवा एंड अनमैरिड फीमेल्स हैं जी हाँ एक तो मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है जिसे हम वजिनाइटिस या वाइट डिस्चार्ज एक कॉलर ले लेते तो हैं नमस्कार आपका नाम नमस्कार आपका नाम बताइए जी मेरा नाम पूजा है जी आप कहां से बात कर रही हैं ब्रिजगंज से जी आप प्रश्न रखिए डॉक्टर सर जी मैम मेरा ना बेबी बेबी लेना है सात आठ साल हो लेकिन अभी मेरे को पता चला थोड़ा मेरे को थायराइड है अभी लेकिन अभी मेरे को आगे क्या सावधानी बरतना बेबी लेना है तो? जी मैम आपने प्रश्न सुना बेसिकली इनको थायराइड है हाँ। और इनको अब बच्चा प्लान कर रहे हैं जी हाँ तो ऐसे में सबसे जरूरी चीज है कि एक तो आपके थायराइड लेवल्स कंट्रोल में हो जिस हिसाब से हम जिस टर्म को हम बोलते हैं पेरी कंसेप्शन काउंसलिंग यानी जब महिला एक गर्व अवस्था में जाने के लिए सोच रही है यानी एक कपल हस्बैंड एंड वाइफ चाहते हैं कि अब हम एक फैमिली को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये काउंसलिंग होती है जैसे इन महिला ने बोला कि इनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये बहुत जरूरी है कि थायराइड का इनका कितना कंट्रोल है कितने महीनों से कंट्रोल है जी, जी, क्योंकि ऐसे में अगर ये बच्चा लेती हैं, तो बच्चे पे डेफिनेटली थायराइड हार्मोन के ऊपर नीचे होने की वजह से इफेक्ट्स आते हैं बच्चे के ग्रोथ में आते हैं जी, हाँ. ऐसे ही और भी बीमारियां जो फीमेल्स में होती हैं उन्हें आके बात करनी चाहिए जैसे डायबिटिक कंट्रोल भी हमें चाहिए होता है तीन हाँ. महीने में ना केवल ये कि उनको थायराइड है उनको टॉर्च इन्फेक्शन का भी टेस्ट कराना चाहिए अच्छा। जैसे कि स्पेशली उसमें रूबेला टॉक्सोप्लाजमोसिस साइटोमेगालो वायरस ये बहुत सारे वायरस हैं एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ टॉर्च अंडमान में बहुत कॉमन है अच्छा। बहुत सारे मरीजों में पॉजिटिव आया है एंड okay. ये बहुत कॉमन रीजन होता है एक अबॉर्शन का बच्चे की ग्रोथ ना हो पाने का या बच्चे में अंग का बनावटी खराबी होने का जी 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 हम आशा करते हैं आपको आपका आंसर मिल गया है हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मैम हम बात कर रहे थे युवा और अनमैरिड गर्ल्स के क्लिनिकल हेल्थ और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में राइट right. जी सो so, uh, जो ये यंग फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स हैं एक तो हैं। इनको वाइट डिस्चार्ज लूकोरिया जिस बी जिसे हम कहते हैं वजाइनल इन्फेक्शन यानी इसकी बहुत कॉमन समस्या है अच्छा जिसके चक्कर में इनको यूरिन इन्फेक्शन का भी बहुत कॉमन होता है सिंस यंग एज बहुत आ, फुर्तीली घूमने वाली पीढ़ी है तो उसमें पब्लिक टॉयलेट्स भी हम बहुत यूज करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इसमें हम शुगर वगैरह रूल आउट करते हैं तो एक ओपिनियन हम मेडिसिन डॉक्टर की भी ले लेते हैं इस केस में तो इनमें विजाइनल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है अच्छा नेक्स्ट चीज इनमें एज हमने अभी डिस्कस किया पीसीओएस बहुत कॉमन है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इनमें बहुत कॉमन है अच्छा कई सारी लड़कियों को ब्लीडिंग प्रॉब्लम यानी ब्लड सेल का प्रॉब्लम रहता है जी। तो उसके लिए उनको इलाज चाहिए रहता है जो कि हम मेडिसिन स्पेशलिस्ट या हेमाटो स्पेशलिस्ट पे भेजते हैं अच्छा तो ये इन सारे डॉक्टर्स जो हमारी अपोलो की पूरी टीम है ये बैठ के इन मरीजों को देखती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है बट हाँ वेजेनाइटिस बहुत कॉमन है एंड ये जरूरी है कि वो समझें की रिपीटेड यानी बार बार वेजनाइटिस होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो सर्विक्स होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है बदलाव आते हैं जो कि आगे कैंसर बोलना थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट उसकी तरफ एक रस्ते में घुस जाती है बात जी, जी. तो सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए भी आजकल हमारे पास वैक्सीनेशन उपलब्ध है क्योंकि अपोलो में भी हमारे पास है जी. तो जो यंग फीमेल्स हैं, स्पेशली 9 साल से ऊपर की जो भी लड़की है 9 साल से वो इस वैक्सीनेशन का जरूर यूज करें जी जैसे आपने बोला वैक्सीनेशन का यूज करें इसके प्रिवेंटिव मेशर्स कुछ है क्या मैम कि ऐसे ये स्टेज आए ही ना देखिए एक तो इस ये बहुत जरूरी है कि हम समझें जो हमें एक्सेप्ट करना होगा आज की सोसाइटी में कि अनमैरिड लड़की या बहुत जल्दी लड़की संबंधों में बहुत अधिक आ रही हैं अच्छा। बहुत सारे पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज़्यादा घातक होती हैं ये बहुत सारे बदलाव लाती हैं एक फीमेल में जो कि उनको इसकी तरफ और जाती हैं जी जी प्लस आजकल इवन महिलाएं भी स्मोक जी धूप हाँ। पान यानी जी हाँ, जी अंदारू लेना ये सब कर रही हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदायक हाँ। है तो ये चीज़ों से को अवॉइड करना है नीचे की साफ सफाई रखनी है वैसे भी यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमेशा ह्यूमिडिटी से थोड़ा बचें और नीचे से थोड़ा सूखा हाइजीन ये सब मेंटेन करें जी प्लस हाँ। डेफिनेटली जो मैंने वैक्सीनेशन बोला वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर ही है अच्छा। क्योंकि वैक्सीन लेने से जितनी जल्दी यानी स्पेशली नौ से पंद्रह साल की जो लड़कियां हैं अगर वो ये वैक्सीन लेती हैं तो सर्वाइकल कैंसर या उसकी तरफ जाने का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है।, है अच्छा पैतालीस उम्र तक की भी महिलाएं ये वैक्सीन ले सकती हैं जी हाँ उनमें तीन डोज लगता है अच्छा बट जो इफेक्टिविटी 9 से 15 साल की उम्र में आती है उससे थोड़ा उनका कम हो जाता है जी हाँ क्योंकि वो उसमें फेस में गुजर चुकी होती है जी ये तो बात हो गई सिंगल और अनमेरिड गर्ल्स की मैम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि मिडिल एज या फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये क्या होता है जो मिडिल एज होता है ये उम्र तब चालू हो जाती है जब एक लड़की एक गर्व धारण करने की स्थिति में होती है अच्छा यानी आप अगर एक्टिवली बोलेंगे तो 20 साल से 40 साल की मोस्टली महिलाएं इस उम्र में आती हैं। जी हाँ इसमें एक महिला के हॉर्मोन्स में बहुत बदलाव होता है उनके यूट्रस बड़ा होता है सर्विक्स अच्छी होती है क्योंकि उन्हें एक बच्चा लेना है उन्हें इस प्रगति में अपने नेक्स्ट एक जनरेशन को लाना है तो हाँ। वो सारी चेंजेस में होते हैं तो जब महिला गर्व धारण कर ले तो वो एक माँ बन जाती है नहीं धारण कर पाए वो इनफर्टिलिटी में जाती है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है अच्छा नेक्स्ट चीज कई महिलाओं को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है इस दौरान जो कि अगर हम बोले बच्चेदानी में गाट यानी फाइब्रॉइड जो हम बोलते हैं मोस्ट कॉमनली लेकिन सिर्फ फाइब्रॉइड ही नहीं बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं मैंसुरल डिसऑर्डर्स के हॉर्मोनल प्लस स्ट्रक्चरल यानी बनावटी में कुछ कोई गाठ आ जाना मोटा हो जाना यूट्रस का या अंडे दानी में गाठ पड़ जाना तो ये सब इस दौरान की प्रॉब्लम्स हैं प्लस क्योंकि वो एक एक्टिव रिलेशन में होते हैं तो वजाइनल इन्फेक्शन बच्चे दानी का मुंह यानी कि सर्विक्स पे घाव होना बार बार ब्लीडिंग होना ये सारी तकलीफ उनको थोड़ी रहती है जी हाँ जैसे आपने बोला कि मैम गाठ पड़ जाती है बच्चेदानी में ये क्या नेचुरली होता है द प्रोसीजर कि ये ऐसे ओवर द टाइम ये आता है जी uh, जो फाइब्रॉइड यूट्रस यानी कि जो गाठ हाँ. मैंने बताई ये गाठ एडिनोमायोटिक जो हम एक टर्म यूज करते हैं ठीक है जिसमें जो जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है जहाँ बच्चा लगता है वो अंदर घुस जाए खुद ही खुद जो यूट्रस की मसल होती है वो भरना लग जाए तो फाइब्रॉइड बन जाए अच्छा ये जेनेटिक भी हो सकता है कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर यानी कि उससे जस्ट प्रक्रिया स्टार्ट होके भी हो सकता है जी है। बार बार भी आ सकता है अच्छा। वही छोटा साइज है तो हो सकता है छोटा साइज भी रहे हो सकता है साइज बढ़ा भी जाए तो आपको आपके गायने के रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है जी प्लस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजों का रोल आता है एक तो गायनिक का जो नीचे के रास्ते से महिला को चेक करती है और अपने एक्सपीरियंस के दौरान पे उनको बताती है क्या है दूसरे होते हैं रेडियोलॉजिस्ट जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो हमें काफी क्लियरली बताते हैं कि उसमें एक कैप्सूल है कैप्सूल यानी आप मान लीजिए अगर एक गाट है तो एक दीवार की वॉल है अच्छा। या नहीं है उसके बेस पे हमारे बहुत सारा ट्रीटमेंट बदल जाता है अच्छा तो इसलिए हम रेडियोलॉजिस्ट को भी परेशान करते रहते हैं कि वो हमें ईटी बताएं वो हमें इस चीज़ के बारे में बताएं तो डेफिनेटली एक रेडियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी हाँ तो ये तो बात होगी मैम हमारे मिडिल एज और रिप्रोडक्टिव ग्रुप की तो बढ़ते उम्र के साथ प्री मेनोपॉज मेनोपोज और पोस्ट मेनोपोज ये देखा जाता है ये तीनों में डिफरेंस क्या है और ये एक्चुअली है क्या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमें जो प्री मेनोपोज की स्थिति है वो ऐसा मान लीजिए कि एक महिला रेडी हो रही होती है कि अब मेरे में हार्मोन बंद हो जाएंगे अच्छा मेरी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी मैं एक मेनोपॉज में आ जाऊँगी तो उसमें उनको जो हार्मोन कम होने लगते हैं धीरे धीरे उसमें या तो उनको ब्लीडिंग जो मंथली उनका आना होता है या तो चढ़ के आता है या कभी घट के आता है कभी फ्लू ज़्यादा हो जाता है मूड स्विंग्स होता है उन्हें लगता है कि हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं नेक-नेक सी बातों पे चिड़चिड़ापन आना लग जाता है कमर दर्द शुरू हो जाता है तो ये सारे प्री मेनोपोजल सिम्टम्स हैं अच्छा। जैसे ही महिला इस दौरान से गुजरती है जो कि कई महिलाओं में एक से दो साल का भी प्रोसेस है अच्छा तो वे आ जाती है मेनोपॉज में आइडली एक मेनोपॉज होता है फोर्टी से फिफ्टी फाइव की एज में बट अगर जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है तो दोनों बातों के लिए उनको इवेलुएशन बहुत जरूरी है महिला को यह समझना जरूरी है कि मेनोपॉज बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है वो नॉर्मल है कि आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे एंड मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब एक साल से लगातार उनको ब्लीडिंग नहीं आती अच्छा अब एक साल अगर उनको ब्लीडिंग नहीं आई उसके बाद हम उनको बोलते हैं पोस्ट मेनोपोजल अब वो आगे की पूरी पोस्ट मेनोपोजल मेनो के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले कॉल ले लेते हैं नमस्कार हेलो नमस्कार अपना नाम जी मेरा नाम पूजा है जी हम ब्रिज से कॉल करती है एक्चुअली मुझे ज्यादा वेट गेन हो रहा है एंड हेयर फॉल्स हो रहा है तो आ, भी हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है जी डॉक्टर बताइए आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही क्लासिकल हैं पीसीओएस के अच्छा जिस हिसाब से इन्होंने बताया बट डेफिनेटली हाँ। इसमें और भी कारण आते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड हार्मोनल इंबैलेंस जी इम्बेलेंस हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि नॉट ओनली पीसीओएस का वर्कअप जो कि इनका लाइफस्टाइल का है हम इनका हार्मोनल वर्कअप भी करें यानी महिला में जैसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगी जैसे थाइराइड प्रोलैक्टिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एल एच एफ एस एच ये कुछ हॉर्मोन्स हैं महिलाओं में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं इसलिए महिलाएं जो आदमी लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं हाँ। तो वो होता है तो इन सब के लिए भी इनको इवेल्युएट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली इनको हम देखेंगे अगर हॉर्मोनल हाँ। है पी है तो डेफिनेटली वो हमारे पास आ सकते हैं मैं उनको देखूंगी एंड ट्रीट करूंगी एंड अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं तो एक बार मेडिसिन के डॉक्टर भी देखेंगे अगर सिर्फ उनको डर्मेट रिलेटेड है जैसे इन्होंने बोला हेयर फॉल है अगर सिर्फ हेयर फॉल रिलेटेड है जो कि हमारे किसी गायनिक कॉज की वजह से नहीं है तो डर्मेट के डॉक्टर उनको एक बार जरूर देखेंगे अच्छा ठीक है मैम हम आशा करते हैं आपको आपका आंसर मिल गया हो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे मैम पर उससे पहले एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले एक छोटा सा अंतराल स्वागत है कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं टॉक ऑन वुमेन हेल्थ लाइफ और हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यानी जी मौजूद है अगर आपको स्त्रियों से संबंधित महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी या प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं आ, हमारा नंबर है जीरो थ्री वन नाइन टू टू डबल फोर सेवन फोर फाइव जीरो थ्री वन नाइन टू टू वन सेवन टू वन थ्री तो चलिए मैम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में हम yeah. पोस्ट मैन्यूपॉजल स्टेज की बात कर रहे थे जी जी सो पोस्ट मेनोपोजल जैसे कि मैंने बताया मेनोपोज के बाद की स्थिति है जी हाँ। तो उसमें महिला के पूरे हॉर्मोन्स जा चुके होते हैं अच्छा पहले से जो उनके सर्विक्स पे चेंज आ रहा है उससे सबसे कॉमन अंडमान में जो मैंने देखा है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर रहता है अच्छा जिसके लिए यहाँ की महिलाएं पैप्समियर जो एक बहुत आसान सा टेस्ट है वो जनरली यहाँ पे फीमेल्स में मैं बोलूंगी अवेयरनेस नहीं है ये नहीं कि उनकी कोई गलती है बट वो उन्हें पता ही नहीं है तो वो सबसे आसान चीज होती है इसमें प्रिवेंट करने के लिए जी हाँ। प्लस इस दौरान बॉडी में ड्राइनेस होता है मूड स्विंग्स डिप्रेशन उन्हें पूरी बॉडी में थकान लगना उनका बिल्कुल दिनचर्या में मन नहीं लगना कोई खाना खाएं तो उन्हें लगता है कि हमें लग नहीं रहा हार्मोन चेंज की वजह से पूरी बॉडी उनकी एक तरह से उलट पलट हो जाती है अच्छा तो एज अ डॉक्टर मैम आपने अंडमान निकोबार कौन से ऐसे केसेस ज्यादा रिपीटेटिव देखा है जो महिलाएं आपके पास लेके आती हैं और उसका इलाज कैसे होता है बिल्कुल आ, सबसे कॉमन होता है एक विजैनल इन्फेक्शन एंड यूरिन इन्फेक्शन जो कि आई थिंक हर दूसरी महिला को यहाँ पर है अच्छा तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया नीचे से साफ सफाई टाइमली डॉक्टर के पास जाके दवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा। उसको नेगलेक्ट ना करें नॉर्मल हाँ। और एबनॉर्मल में अंतर होता है तो हाँ। वो चीज करके उनको देखनी पड़ेगी जी। दूसरी चीज जो कि कॉमन है वो जो मैंने देखी है पीसीयूएस है ब्रेस्ट में होने वाली दिक्कतें हैं सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइकल में होने वाली बहुत सारे घाव या बहुत ज्यादा इंफेक्शन कई महिलाएं तो रेडी नहीं होती है। उन्हें हैं, उन्हें लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, जी, जी. बट उन्हें समझना जरूरी है कि सर्विक्स जनरली एक महिला खुद पे नहीं देख सकती जी उसके लिए एक गायनिक डॉक्टर नीचे से सक्षम होता है देखे उसको समझे और जाने की वो नॉर्मल है या नहीं है जी हाँ. तो ये बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने पैप्समियर का अभी आपको वर्णन किया था जी हाँ. तो पैप्समियर 25 साल की उम्र के बाद जो कि एक्टिव है या शादीशुदा शुदा है हर पांच साल में उनको ये पैप्समियर का कर टेस्ट कराना चाहिए एंड बाय द एज ऑफ फिफ्टी एटलीस्ट तीन हो जाने चाहिए अच्छा जबकि सिक्सटी फाइव की एज के बाद हम जनरली नहीं करते जब तक कि उनके पिछले तीन साल के नॉर्मल ना हो अच्छा जो महिलाएं बहुत रिस्क में होती हैं उनको तो हम हर तीन साल में करते हैं जी। ये बहुत ही आसान टेस्ट है जिसमें महिला को ना दर्द होता है ना कुछ पता ज्यादा चलता है आसानी से ये टेस्ट से एक महिला अपने जीवन में इतना बड़ा जो प्रॉब्लम होता है सर्विक्स कैंसर का वो प्रिवेंट कर सकती है जी हाँ। प्लस यहाँ पे ओवरी सिस्ट बहुत कॉमन है बच्चेदानी में गाट प्लस जो एंडोमेट्रियोसिस करके हम बोलते हैं वो भी बहुत कॉमन है अंडमान अच्छा जिसका हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और मेरे दो तीन पेशेंट बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस से फ्री हो चुके हैं अच्छा जी ये तो बात हो गई यहाँ आमतौर में दिखने वाली बीमारियों की मैम अभी हम बात करेंगे प्रेगनेंसी पीरियड की तो प्रेगनेंसी में एक महिला को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से कौन से स्टेजेस होते हैं प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी का जैसे कि अभी एक कॉलर का भी आया था जी हाँ पेरी कंसेप्शनल या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो हम बोलते हैं जी उससे शुरू हो जाता है अच्छा तो जब वो चाह रही मैं गर्व में आऊ पहले तीन महीने पहले से उनको हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं जी जी। दवाई फोलिक एसिड वगैरह देते है अच्छा। जिससे कि बच्चे की जो दिमागी स्पाइन इनकी जो भी बीमारियां आती हैं बनावटी बीमारियां वो ना हो जी जी प्लस हम उनके जो स्टेटस है मेडिकल कंडीशनल स्टेटस यानी डायबिटीज थायराइड कोई और इन्फेक्शन या कोई और दिक्कत उन सबके लिए भी उनको देखते हैं फिर महिला प्रेग्नेंट हुई प्रेग्नेंट होके हमारे पास आती है हम उनको फोलिक एसिड स्टार्ट करते हैं और उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे कि हाई हील्स नहीं पहनना जी हाँ। गो में कंटिन्यू करेंगे एक कॉलर लाइन में हम हैं दे नमस्कार आपका नाम बताइए मैं नाम विश्राम है जी अपना प्रश्न मैं बात कर रहा हूँ मैडम ऐसी बात जी जरूर पूछिए अपना प्रश्न रखिएगा आप पूछिए मैम सुन रही है हेलो मैडम मेरा नाम ना मैं मेरा नाम विश्वनाथ व्यापारी है मेरे को ना मेरे मेरा मिसेज किस तरह प्रॉब्लम है वो हमेशा ऐसे चक्कर आता है उसका हमेशा बंद बोलने से कोई ना कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है मतलब वो घर में अकेला बैठने से उसको चक्कर आता है फिर कुछ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके लिए क्या करना चाहिए मैडम थोड़ा बात करना चाहिए मेरे को उनकी उम्र कितनी है एंड क्या उन्हें ब्ली... नीचे के रास्ते ज्यादा ब्लीडिंग होती है नहीं उनका उम्र थर्टी सेवन है अच्छा ठीक है जैसे कि मैडम थर्टी सेवन उमर है लेकिन ना, वो बोलने से ना ऐसा मतलब ऐसा करती है मैडम उमर जी बोलिए मैम बिल्कुल तो जैसे कि इन्होंने बोला कि उठने बैठने से चक्कर आता है उनको जी अच्छा नहीं लगता ऐसे में महिला को देखना बहुत जरूरी है जी। कि चक्कर क्यों आ रहा है अगर कान की कोई तकलीफ है तो कान वाले डॉक्टर उसके लिए इवेल्युएट करते हैं अच्छा अगर उनमें आयरन का कमी जिसकी वजह से उनका खून का कमी हो गया जो कि बहुत कॉमन होता है एक औरत में ठीक है क्योंकि वो महीना महीना ब्लीड भी हो रही है पोषण उसका पूरा नहीं है उसकी वजह से कई बार महिलाओं को ये चक्कर आना ये बहुत होता है अच्छा प्लस इनमें शुगर का और थायराइड को रूल आउट करना भी बहुत जरूरी है जी है। लेकिन तब भी अभी आप जैसे घर पे हैं और इनको इमिडिएटली चक्कर आ रहा है तो ये जानना जरूरी है बीपी ज्यादा या कम रहता है उससे अगर ज्यादा रहता है तो वो बीपी की दवाई लेते हैं तो बीपी की दवाई देंगे अगर बीपी कम रहता है तो अच्छे से पानी पिलाकर उनको थोड़ा कॉफी वगैरह पिलाएं अच्छा। शुगर लेवल्स एक बार जरूर जांच करवाएं जी अगर हो सकता है तो हमारे अपोलो में भी आके हमको दिखा सकते हैं जिससे हम उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से एकदम उनके लिए इलाज दे पाए जी हाँ जरूर जी आ, हम आशा करते हैं आपको आपका आंसर मिल गया है हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मैम हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी पीरियड की और प्रेगनेंसी में आने वाले स्टेजेस की राइट तो जैसे कि मैंने बताया जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और हमारे पास आती हैं जी। तो तब हम उनको फोलिक एसिड देते हैं जी हाँ। ठीक है तो उससे बच्चे की जो न्यूरॉन यानी दिमाग स्पाइन तो ये तीन महीने तक चलता है जैसे कि मैंने बताया पहले भी बाकी उन्हें हम समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना जैसे गड्ढे वाले रस्तों में नहीं मिलना संबंध नहीं बनाना इन्फेक्शन से बचना है अगर घर में पेट्स हैं तो उनको से थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है अच्छे से खाना पीना है जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी में उनकी खून की कमी नहीं हो एंड बाय चांस कोई और हाई रिस्क फैक्टर है तो वो हाई रिस्क उनको हम समझाते हैं प्लस अच्छा। पहले ही टाइम में हम उन्हें बताते हैं कि उनकी पूरी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी मेरा मानना ये है कि एक प्रेगनेंट वुमेन के लिए एक बच्चा करना एक अलग बात होती है और एक हेल्दी माँ और एक हेल्दी बच्चा हाँ। बिल्कुल अलग बात होती, होती है और प्रेगनेंसी इतना खूबसूरत सफर है कि जो माँ और बाप को दोनों को एक साथ निभाना होता है जी हाँ। तो उनको हमें पहली विजिट में एक पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी दिखाई जाती थी जी। तो हम उन्हें बताते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी क्योंकि महिला की बॉडी में बहुत चेंज आता है जी हाँ। कैसे जाएगी उनकी प्रेगनेंसी क्या दिक्कत हो सकती है क्या सावधानी करनी है कब टेटनेस का इंजेक्शन लगाना है कब अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं जैसे कि डेटिंग अनोमली स्कैन एंड बाद में ग्रोथ स्कैन जो कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होते हैं बाकी हर महिला का इंडिविजुअल होता है कि उनकी बॉडी और उनका बच्चा कैसा है प्लस जी जी। उन्हें हाइरस समझाया जाता है जैसे कि कभी भी अगर पानी छूटना ब्लीडिंग होना बच्चा कम घूरना या दर्द आए तो तुरंत की तुरंत अपने ऑब्सिटिशियन अच्छा। से तुरंत की तुरंत मिले उन्हें यह भी समझाया जाता है कि डिलीवरी प्रोसेस उनका कैसे होगा जी हाँ। और डिलीवरी के बाद वो क्या फेस करेंगे। जी हाँ श्योर आप एज अ डॉक्टर आपको बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी आते होंगे क्योंकि अब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या फिर सीजेरियन बेटर है कौन से दोनों में से ऑप्शन अच्छे हैं ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे तो इसके बारे में हमें बताइए शमा यू हैव आस्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बिकॉज एज अ ऑब्सटिशन हम हर ओ में ये जरूर uh, मरीज से सुनते हैं कि मैम नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी सजेरियन तो नहीं होगा या मुझे सिर्फ सजेरियन चाहिए मैम नॉर्मल डिलीवरी के तो ये हाँ. फ़ायदे और नुकसान है एक्चुअली ये कहना कि एक गर्व महिला नॉर्मल में जाएगी या सजेरियन में जाएगी एक बहुत ही मुश्किल चीज है जी ये कहना कि नहीं हो पाएगा नॉर्मल तब भी थोड़ा आसान है अच्छा। बट नॉर्मल ही हो जाएगा बहुत दिक्कत है अच्छा। क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक तो उनको दर्द कैसे आ रहे हैं हमारे दवाई देने के बाद भी उनके दर्द कितना ज्यादा है कि जिससे कि उनके बच्चेदानी का मुंह जहां से बच्चा निकलना है वो भर सके जब तक वो खुलेगा नहीं नीचे से बच्चा आएगा नहीं जी जी। दूसरी चीज कि बच्चा कितना बड़ा है बच्चे का सर कितना बड़ा है बच्चा घूमता है नीचे आता है या नहीं तो ये दूसरी चीज है तीसरी चीज माँ का दाचा यानी कि जो पेल्विस हम बोलते हैं जो हड्डी होती है की उसमें बच्चा अंदर घुस पाता है या नहीं वो ढांचा इतना केपेबल है कि वो बच्चा बीच में अटक तो नहीं जाएगा अच्छा। कई बार पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी में होती है और बिल्कुल अंत में जाके बच्चा अटक जाता है अच्छा। तो ये कह पाना बिल्कुल कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी बहुत मुश्किल है जी हाँ।, हाँ लेकिन जैसे जो महिलाओं का पहले दो बार सिजेरियन हो चुका है या बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है या सर्विक्स कैंसर है तो बहुत लंबी लिस्ट है उनमें डेफिनेटली सिजेरियन ही होना अच्छा। है तो ये डिपेंड है प्लस ये भी डिपेंड है कि उनका प्रेगनेंसी में बीपी कैसा रह रहा है जी, जी. शुगर लेवल्स कैसा रह रहा है तो बहुत चीजें मैटर करती हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा जरूरी है ये नहीं कि नॉर्मल या यान की जिद में हम दोनों को नुकसान पहुंचाए हाँ, तो ये जैसे जैसे एक प्रोग्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्थिति बहुत क्लियर होती जाती है जी हाँ ये तो बात हो गई हमारी डिलीवरी प्रोसीजर की तो अब पोस्ट डिलीवरी जो माँ और बच्चे इन दोनों को कैसे ध्यान रखना चाहिए और व्हाट इज द प्रोसीजर कि वो दोनों सेफ और हेल्दी रहे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है माँ को एक तो बहुत इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है जी हाँ छह महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को प्लस नीचे अगर टाके आए हैं या सजेरियन के टाके उन टाकों का ध्यान रखना जी हाँ. अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना पोषण पूरा लेना है उनको जी. जी इसके बाद हम बात करेंगे मैम इससे पहले जैसे कॉलर ने बोला था कि बच्चा ट्राई कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं इनफ अब जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा तो उसमें एक औरत और एक पुरुष का इक्वल रोल होता है जी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दोनों को इवेल्यूएट करें कि पुर... इसमें शर्माने की बात नहीं है कई सारे पुरुष शर्मा जाते हैं उनके लिए भी पूरा इलाज है तो उनके पानी का जाँच वो भी करना है बल्कि उन्हें मुझे लगता है ज़्यादा के करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेके उनका तो बहुत आसान होता है महिलाओं में आए तो डिपेंड करता है कि उनकी ओवरीज साइकिल्स उनके ट्यूब्स कैसे हैं बच्चेदानी कैसे है बच्चे हॉर्मोनल स्टेटस क्या है कोई और बीमारी है या नहीं तो ये हाँ. पूरा एक वर्कअप होता है जिसके लिए डेफिनेटली दोनों कपल मतलब कपल को पूरा यानी एक औरत और पुरुष को दोनों को संग मिल आना होता है क्योंकि हमें बहुत और भी उनके जो प्राइवेट टाइम्स होती हैं उससे रिलेटेड उनको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है जी अभी हम हाँ वापस आ, पोस्ट प्रेगनेंसी के क्वेश्चन में जाते हैं है, मैम ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है और इसके सही तरीके क्या हैं क्या इसका क्या महत्व क्या है ब्रेस्ट फीडिंग से जो न्यूट्रिशन मिलता है एक बच्चे हाँ. को जो कहते हैं पूरे एंटीबॉडीज या सब चीज से बच्चे को बचाने के लिए इस दुनिया में एक बचा के रखने के लिए वो इम्यूनिटी मिलती है माँ के पहले दूध से अच्छा। और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़रूरी है कि माँ एक ब्रेस्ट फीड करे बल्कि आजकल क्योंकि हमें जॉब्स पे जाना होता है बहुत कुछ करना होता है कई सारी औरतें नहीं फीड कर रही या बहुत दिक्कत लगती है उनको कि मुझे तो इतने सारे काम हैं भाई सैरेलेक्ट पिला देंगे नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज और भी जानिए कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी, जी. तो ब्रेस्ट फीडिंग ना केवल बच्चे के लेवल की माँ के लिए भी जरूरी है जी. प्लस उनकी बच्चेदानी उससे सुकुड़ के एक पहले जैसे रोल पे आती है जी इसलिए जैसे हम अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात करी थी मैम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाए और ये एग्जैक्टली exactly क्यों आता है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग के अवॉइडेंस से आता है या फिर ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर uh, ही है ब्रेस्ट कैंसर भी खुद में एक पूरा एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है जी। जिसमें कि एक लेट uh, से उनको पीरियड्स आना जल्दी पीरियड्स चले जाना स्मोकिंग करना अल्कोहल लेना वजन में भारी होना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती रह, है तो ऐसे में एक महिला को अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए जो कि वो चाहें तो एक गायनोकोलोजिस्ट या एक सर्जन से सीख सकती है अच्छा इसके लिए भी हमारे पास जैसे मेमोग्राम तो यूएसजी ब्रेस्ट ये सब होता है अगर उन्हें कभी भी लगता है कि ब्रेस्ट में से जो निपल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज यानी कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है चाहे वो सिवाय जब वो एक बच्चे को दूध पिला रही है उसके अलावा कभी भी कुछ भी उन्हें डिस्चार्ज दिखता है या कोई घाव दिखता है या कोई गांठ दिखता है या स्किन का कलर बदल जाता है तो उन्हें तुरंत आना चाहिए डॉक्टर को क्योंकि अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर दो सबसे कॉमन है बट उसका पूरा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जी मैम ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है प्रिवेंशन में ये है कि जैसे कि आजकल लाइफ में हम देर से शादी कर रहे हैं देर से बच्चा कर रहे हैं तो अर्ली एज शादी बच्चा जल्दी थोड़ा प्लान करना थोड़ा लाइफस्टाइल स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा खान पान एक्सरसाइज स्मोकिंग एल्कोहल को अवॉइड करना जब जिसका बच्चा हो गया है ब्रेस्ट फीडिंग करना ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है जी तो ये पर्टिकुलरली ये सारे फैक्टर्स जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के तरफ रुक करते हैं तो इन डे टू डे लाइफ आजकल के जनरेशन में हर जगह कंपटीशन है और महिलाओं को पर्सनल हो या प्रोफेशनल स्टेज में अपना बेस्ट देना होता है तो इस स्ट्रेस में आ, महिलाओं के जो ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसको लेकर महिलाएं कौन सी बीमारी की तरफ रुक करती है या फिर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए स्ट्रेस आई थिंक ना केवल गायनिक पूरी सारी चीज़ों की बीमारी की जड़ है जी तो राइट फ्रॉम चाहे वो दिल की बीमारी हो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो शुगर की बीमारी हो अगर मैं गायनिक पे जाऊँ तो पीसीओ की बीमारी हो फाइब्रॉइड की बीमारी हो मेन्स्रल इरेगुलरिटीज़ हो वजन बढ़ना हार्मोनल सेकेंड टू दैट उसका हार्मोनल चेंज होना हा। ये सब बहुत बड़े कारण हैं। तो महिलाओं को डी स्ट्रेस होने के लिए डी स्ट्रेस थेरेपी जिसमें से एक कॉम्पोनेंट है या तो आप योगा करें या अंडमान में बहुत सुंदर बीचेस हैं तो बीच की जो रेत है उस पर बे फुट वॉकिंग या अपनी हॉबीज सबसे बहुत ज्यादा डी स्ट्रेस होती है एंड आई हाँ। मुझे ये लगता है कि हम आज की भागदौड़ की दुनिया में थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकाल सकते हैं हाँ। जिससे हम अपना खुद का डिप्रेशन या फिर वो जो, जो जोन है उससे, उससे बाहर हाँ। आ ऐसे में हम काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे जी हाँ, ट्रू प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी जी तो हम वापस प्रेगनेंसी पीरियड की तरफ जाते हैं मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आयरन की कमी या फिर किसी और चीज की कमी ना हो प्रेग्नेंसी में एज सच एक तो आयरन रिच खाना जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ जैसे जैगरी रागी ये सब बहुत जरूरी है लेना प्लस आपके फ्रूट्स फ्रूट्स में इतना कुछ है। पपाया मत लीजिएगा बट बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं और खा सकते हैं जी हाँ एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि बार बार खाएं यानी थोड़ा थोड़ा खाएं बट हर दो घंटे में थोड़ा सा खाएं जी, ये जी, बहुत जरूरी है भूखे पेट नहीं रहना है थ्री मेजर मील्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब कुछ हो एंड टू माइनर मील्स पक्का होने चाहिए बेसिकली अच्छा, एक होनेस डाइट होनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन हाँ, की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कार्बोहाइड्रेट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जरूरी ये भी समझना है कि बच्चे को भी पोषण चाहिए माँ को भी पोषण चाहिए और अगर पोषण नहीं रखेंगे तो हड्डियों में जो कमजोरी आएगी वो बहुत लंबे समय तक रहती है जी हाँ आफ्टर प्रेगनेंसी जो आ, हमारा प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड होता है उसमें कौन से डाइट हम अवॉइड कर सकते हैं जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी के तरफ पपाया अवॉइड करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसे कौन से फूड है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं जनरली ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं होता कि अच्छा। मां नहीं खाए बट ये भी नहीं होता कि वो एकदम से जैसे बहुत ज्यादा घी खा ले अच्छा ठीक है प्लस डिपेंड करता है अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक डाइट पर ही रहेंगी महिला बहुत ज्यादा बीपी है तो डेफिनेटली चिकना थोड़ा कम करेंगे अच्छा। तो ये चीजों का भी ट्रिगर रहता है बाकी सच हम महिलाओं को अच्छे से खाने देते हैं क्योंकि उनका पोषण ही बच्चे को जाएगा जी जैसे आपने बोला कि डायबिटिक है तो वो डायबिटिक जो इनटेक नहीं लेंगे बट ड्यूरिंग अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज है तो ये बच्चे पर कैसे अफेक्ट करता है डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे होते हैं वो तो या साइज में बड़े हो जाते हैं या छोटे रहते हैं पानी कम हो सकता है बच्चे के आसपास बच्चे में बनावटी खराबी आ सकती है और इससे भी अगर हम पहले जाएं तो अबॉशंस होना बार बार इन्फेक्शन होना ये सब बहुत कॉमन है ऐसे में बाद में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी कि डिलीवरी के दौरान होने वाली दिक्कतें उसकी वजह से अधिक सी एस होना यानी सिजेरियन सेक्शन होना जी प्लस सिजेरियन सेक्शन करके बच्चा निकालिए उसके बाद बच्चेदानी सुखड़ना उसकी भी दिक्कतें तो डायबिटीज़ का एक माँ पे बहुत असर पड़ता है जी हाँ जी जबकि मेरे हिसाब से इतना गाठों का नहीं असर पड़ता जितना कि डायबिटीज का पड़ता है अच्छा जी तो अभी हम जैसे एबॉर्शन की बात कर रहे थे मैम तो एबॉर्शन होने का एक रीज़न है कि अनवांटेड चाइल्ड हो जाता है तो अगर कोई अगर, अगर लाइक चाइल्ड नहीं लेना चाहे कॉन्ट्रसेप्टिव यूज कर सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है और एबॉर्शन रेट जो इंक्रीज हो रहा है इसके ऊपर आपकी राय क्या है ये सबसे ज्यादा मजा आता है एक पेशेंट को समझाने में कॉन्ट्रसेप्शन पहली चीज आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है ये कॉन्ट्रसेप्टिव चीजें जो कि हाँ. या तो पिल्स के फॉर्म में होती हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं पुराने टाइम से जैसे जो कॉपर टी बोलते हैं है, है हाँ. आजकल का नया वर्जन लोड मेरीना ये सब लगा सकते हैं जो कि अपोलो में भी है हम भी रूटीन में लगाते हैं अच्छा. प्लस परमानेंट तो है ही जो इसमें जिनकी फैमिली कंप्लीटेड है वो ऑपरेशन से करवा लेते हैं जी इतने आसान तरीके प्लस लड़कों के लिए कॉन्डोम्स जो सबसे आसानी से मिल जाते हैं हाँ. तब भी कई लोग यूज नहीं करते बहुत लोग आते हैं कि गलती से मैडम बच्चा लग गया कॉन्ट्रासेप्शन वैसे यूज़ नहीं किया बट वो बोलेंगे डर के मारे हमने यूज़ किया मैडम अबॉर्शन चाहिए जी ये वो बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज लगती हैं और जो अबॉर्शनस होते हैं उससे एक बच्चेदानी कमज़ोर होती है जी ये बहुत ज़रूरी है और महिला का इमोशनल स्टेटस भी चेंज होता है तो कॉन्ट्रासेप्शन बहुत आसान चीज है आप आइए आपके लिए जो बेस्ट है जो महिला के लिए बेस्ट है क्योंकि पिल्स भी कई लोग नहीं ले सकते डेली कई लोग इंजेक्शन नहीं लेना चाहते कई हाँ. लोग कुछ नहीं लेना चाहते तो इट्स लाइक सर्व ऑन अ प्लेटर यानी जैसे हम जाते हैं मेन्यू कार्ड हो, होता है तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस आपके लिए जो बेस्ट है वो कॉन्ट्रसेप्शन यूज करिए तो डेफ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्हें आके एक गायनिक से हमेशा डिस्कस करना चाहिए जी, जी तो अगर आ, हम कोई एक्टिव लाइफस्टाइल जैसे अभी महिलाओं को एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए तो उन्हें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक तो उन्हें टाइमली खाना खाना है टाइमली हाँ. सोना है जी ठीक है नेक्स्ट चीज उन्हें एटलीस्ट फोर्टी मिनट्स वॉकिंग करनी है सुबह एंड शाम जी हाँ डी स्ट्रेसिंग मेथड चूंकि मैं बता चुकी हूँ प्लस उनको अपनी मेंटल थेरेपी पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम करना है कर जी जी टाइमली खाना खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे मैं अंडमान के दर्शकों यानी इवन सारे दर्शकों से ये एक जी. बात बोलना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें एक परिवार एक स्वस्थ महिला से चलता है कई सारी महिलाएं अपने परिवार की वजह से नहीं आती या कामों में उलझी रहती हैं बट आप प्लीज़ जानिए कि आपकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आप अर्ली स्टेज पे अगर दिखाएंगे या अपने चेकअप्स करवाएंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे भी अपोलो हेल्थ चेकअप्स होते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर पा पाएंगे एंड बहुत जरूरी है कि अगर आप गर्भावस्था में हैं तो एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चे के लिए करके बात करें आप कभी भी आ सकते हैं हम आपको एक पूरा तरीका समझाएंगे आपकी डिलीवरी करवाएंगे आपको एक स्वस्थ बच्चा देंगे और इवन दो महिलाएं जो गर्भावस्था में नहीं हैं वो भी हमारे पास आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास लैप्रोस्कोपिक से लेके हमारे पास ओपन सर्जरी से रिलेटेड आपको जो सर्जरी बेस्ट आपके लिए रहेगी कितनी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो या कितनी आसान हो सारा कुछ अवेलेबल है दो कि मैं बताना चाहूंगी जी. हाल फिलहाल हम अपना ओ जो है पिलर हॉस्पिटल में कर रहे हैं क्योंकि जी. हमारा अभी ओ रेडी नहीं है बट गुड न्यूज़ ये है कि हमारा हॉस्पिटल खुद भी बहुत जल्दी आ रहा है जी. तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं अपोलो का ट्रीटमेंट उनको मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक स्वस्थ महिला जिसको सारी सुविधा मिले क्योंकि आज के भागती दौड़ती जिंदगी में महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एडमिट रहें जाएं करें पूरा परिवार हिल जाता है जी, जी, तो, जी, तो आजकल बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि बहुत कम टाइम रहना पड़ता है महिलाओं को और रिकवरी फास्ट हो जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि क्या होता है हर एक महिला में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके उपाय बताए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी थैंक यू तो दर्शकों आपने देखा कि कैसे महिलाओं में बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं तो अगर आपको इनमें से अगर कुछ भी लग रहा है तो काइंडली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए और चेकअप करवाए स्वस्थ खाए और स्वस्थ रहे नमस्कार This program was sponsored by Apollo Clinic. नमस्कार दर्शकों दर्शकों आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को नालंदा नाम का एक विशाल जहाज उपहार के रूप में प्राप्त हो रहा है जो कि दीपों के आवागमन को बढ़ाएगा और आसान बनाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी जी आज इस विशाल जहाज का उद्घाटन कर द्वीप समूह को अपनी सेवाएं के लिए सौंपेंगे तो आइए उद्घाटन समारोह को देखने से पहले जानते हैं इस विशाल जहाज के खूबियों और विशेषताओं के बारे में